देश भर में कहीं बीजेपी की जीत का जश्न है तो कहीं आम आदमी पार्टी के जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन करनाल की बात करें तो करनाल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन ये जश्न किसी दल की जीत का जश्न नहीं है, बल्कि सच्चाई की जीत का जश्न मनाया गया है। क्या है मामला, एक रिपोर्ट देखते हैं। सड़कों पर लड्डू बांटते शख्स की खुशी का आज ठिकाना नहीं। सड़क से गुजरने वाले हर एक आदमी को मिठाई खिलाई जा रही है, सामने खड़ी गाड़ी में भी मिठाइयां हैं। अब आप सोचेंगे कि ये बीजेपी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होगा जो दोनों में से किसी एक पार्टी की जीत का जश्न मना रहा होगा। चलिए आपको बताते हैं कि जश्न के पीछे वजह क्या है। एक रिश्वतखोर की गिरफ्तारी। दरअसल विजिलेंस की टीम ने करनाल के DTP विक्रम कुमार को 5 लाख और उसके ड्राइवर को 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मेरे चारों तरफ तो मांगने वाले हैं बेचारे, जिनका मैंने कर, मैं तो चाहता हूँ कल का मरता आज मर जाऊं। मैं तो ये दिन आज मैंने देख लिया, मैं तो आज अमर हो गया। तेरी तरफ से तो होगी कार्रवाई नहीं? अब क्या लग रहा है सर, अगर अब भी कार्रवाई नहीं होती, सुबह से लेकर अब तक हर मीडिया पे, हर उस चैनल पे यही चला, अब भी कार्रवाई नहीं होती, समझो मेरा हरियाणा का कोई वाली वारस नहीं है। फिर मेरा हरियाणा अतीब हो गया, फिर इसका मतलब बुरा हाल है। अकेले DTP उसने इतना अच्छा काम किया, क्यों? मैं तो कर नहीं पाया, मैं गरीब परिवार का व्यक्ति था, मैं कमजोर था, इसलिए मैं कर नहीं पाया। मैं इतनी रिकॉर्डिंग प्रशासन को दे दी, इतना सारा कुछ दे दिया, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। आपसे भी रिश्वत मांगी गई थी? रिश्वत मांगी गई थी, मैंने दी थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग में दिया हुआ है, मैंने दी थी। बता दें कि DTP पर इससे पहले भी कई बार आरोप लगे, लेकिन आरोपों में जांच सही तरीके से नहीं हो सकी थी। खुशी मनाते शख्स ने DTP विक्रम कुमार पर आरोप लगाए थे कि अवैध कॉलोनी काटने के लिए DTP ने रिश्वत मांगी थी। DTP करनाल विक्रम सिंह है, जो उन्होंने अपने ड्राइवर के माध्यम से पैसे की डिमांड की हुई है और वो उनको पैसे देना नहीं चाहता, तो इस बात को उसने लेकर हमें कंप्लेंट दी। उसके बाद हमने उनको 5 लाख रुपए के साथ रेड हैंडेड पकड़ा है, DTP करनाल विक्रम सिंह को, और 5,000 रुपए के साथ रेड हैंडेड पकड़ा है उनके ड्राइवर बलबीर को। शिकायतकर्ता का इनके पास कुछ काम था, और जो ये कॉलोनी वगैरह बनाते हैं तो वो कुछ कॉलोनी का उसका काम था, और ताकि कॉलोनी में, जैसे उसका ये कहना था कि मुझे पता लगा कि कॉलोनी बनाने से पहले इनकी परमिशन वगैरह लेनी ज़रूरी होती है, तो उसने इनको अप्रोच किया और इन्होंने अपनी डिमांड की। कहते हैं कि इंसाफ की मंजिल इतनी आसान नहीं, लेकिन एक ना एक दिन मिलती जरूर है। कुछ ऐसा ही हुआ है प्रवीण कुमार के साथ, जिसे वक्त रहते इंसाफ नहीं मिला, लेकिन देरी से ही सही आज आरोपी सलाखों के पीछे थे। हिमांशु नारंग, करनाल खबरें अभी तक।